यह है मेरे पास स्पाइस मनी का एटीएम मशीन, जो मॉर्फन मशीन है। इसको यूज़ करना काफ़ी इजी है। तो सबसे पहले इसको इस बटन से इसको पहले स्विच ऑन करना होगा। इस तरह से आप इसको दबा के रखें, ये स्विच ऑन हो जाएगा। यहाँ वेलकम लिखा हुआ आता है। ये मेरा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, तो इसको हमें पहले ब्लूटूथ से ऐड करना होगा। तो ब्लूटूथ से ऐड करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल का ब्लूटूथ को ऑन करेंगे और इसको इस डिवाइस को ऑन करके रखेंगे। स्विच ऑन करके रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। इसका मॉडल नंबर आपके वहाँ सर्च बार में आ जाएगा। इस डिवाइस में देखिए ऊपर तरफ स्पाइस मनी तो लाइव बनी लिखा हुआ है और सोनू सूद सर का सिग्नेचर भी किया हुआ है। ये मुझे स्पाइस मनी की तरफ से मिला है। अगर आप भी स्पाइस मनी का एजेंट है तो आपको भी मिला होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम ब्लूटूथ से अटैच कर लेते हैं और देखते हैं कि एटीएम से पैसे कैसे निकालता है या कैसे बैलेंस इंक्वायरी किया जाता है। हम सबसे पहले स्पाइस मनी एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद यहाँ अपना सबसे पहले डैशबोर्ड में हम आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ दोनों काम कर सकते हैं, अपने एटीएम कार्ड से बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं और बैलेंस को विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बैलेंस इंक्वायरी करके दिखाएंगे। तो इंक्वायरी करने के लिए यहाँ स्पाइस मनी एटीएम इसके ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपका डिवाइस का लोगो आ जाएगा। यहाँ ट्राई इट नाउ इसके ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ अगर चाहे तो विड्रॉ भी कर सकते हैं। चलिए हम बैलेंस इंक्वायरी करेंगे। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम बैलेंस इंक्वायरी पर यहाँ टिक करेंगे। तो यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और देखिए यहाँ नीचे मॉर्फन एक्टिव डिवाइस यहाँ आ गया है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही ये प्रोसेसिंग चल रहा है और आपके डिवाइस को यहाँ फेच कर रहा है। तो देखिए डिवाइस में मेरा लाइट आ चुका है। मुझे वहाँ पर अपना एटीएम कार्ड को अटैच करना है या इंसर्ट करना है। यहाँ मुझे कार्ड को अपना इंसर्ट करना होगा। तो इंसर्ट करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो फिर हम यहाँ कार्ड को अपना इंसर्ट करेंगे या फिर अपना कार्ड को हम यहाँ पर इस तरह से स्वाइप करेंगे। यहाँ स्वाइप करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ मुझे बोल रहा है प्लीज़ इंसर्ट योर कार्ड, यहाँ लिखा हुआ है जो आपको शो नहीं कर रहा है। तो चलिए पहले हम अपना कार्ड को यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं। चलिए हम अपना कार्ड को इंसर्ट कर लिए और यहाँ से अपना कार्ड चूज़ कर लेंगे, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल। मेरा डोमेस्टिक है, अपना डोमेस्टिक पे क्लिक करेंगे और मेरा यहाँ प्रोसेसिंग चल रहा है और यहाँ एंटर पिन दबाने का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पहले हम अपना कार्ड का पिन डालेंगे और यहाँ एंटर या हरा बटन पर प्रेस करेंगे। तो वहाँ देखिए प्रोसेसिंग चल रहा है और मुझे वेट करना है, यहाँ मेरा बैलेंस इंक्वायरी हो जाएगा। देखिए मेरा यहाँ बैलेंस इंक्वायरी हो चुका है और हम अगर चाहें तो इसको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं या अगर हम चाहें तो इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ विड्रॉ मनी पे क्लिक करेंगे क्योंकि मुझे पैसे निकालना भी है और जितना भी अमाउंट निकालना है वो अमाउंट यहाँ फिल करेंगे। जैसे कि मुझे 500 निकालना है तो यहाँ हम 500 फिल कर देंगे। उसके बाद मेरा यहाँ डिवाइस ऑटोमेटिक आया हुआ है, हम प्रोसीड के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते देखिए मेरा यहाँ एटीएम मशीन में मेरा यहाँ कार्ड को इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है और वहाँ भी बोल रहा है। तो चलिए हम पहले अपना कार्ड को इंसर्ट या स्वाइप कर लेते हैं। चलिए हम अपना कार्ड को इंसर्ट कर लिए और यहाँ से कार्ड अपना सेलेक्ट कर लेंगे डोमेस्टिक और यहाँ मुझे पिन डालने का ऑप्शन आ गया है। चलिए अपना हम कार्ड का पिन डाल देते हैं और ग्रीन बटन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। चलिए हम प्रेस कर चुके हैं और यहाँ मेरा प्रोसेसिंग चल रहा है और मुझे यहाँ पे वेट करना है और देखना है कि मेरे यहाँ पे कैश विड्रॉल सक्सेसफुल हो चुका है। कैश विड्रॉल सफल हुआ, जो 500 का हमने कैश विड्रॉल किया है और अकाउंट बैलेंस आप देख सकते हैं 1337 रुपया और 55 पैसा बचा हुआ है। ट्रांजैक्शन आईडी आपके सामने आ जाएगा, कार्ड का नंबर आ जाएगा और रेफरेंस आईडी भी आ जाएगा, ट्रांजैक्शन डेट आ जाएगा, ट्रांजैक्शन टाइम आ जाएगा और नीचे आपका मोबाइल नंबर। चाहे तो इसको आप सेंड रिसीव वाया व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए से भी आप कस्टमर्स को पेमेंट रिसिप्ट भेज सकते हैं। चलिए मुझे कुछ नहीं करना है और चाहे तो यहाँ प्रिंट आइकन पर क्लिक करके प्रिंट भी कर सकते हैं। सो इसी तरह आप एटीएम मशीन से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं कस्टमर्स का और इस पर आपको कमीशन, काफ़ी कमीशन मिलता है और कस्टमर से भी आप कुछ चार्ज ले सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।